मित्रों नमस्कार। सुबह जेवरिया, कुछ लोग आ जाए तो शुरुआत करते हैं। सो आई थिंक हम लोग फर्स्ट टाइम ओटीवी पे आ रहे हैं और कुछ नया करने की सोच रहे थे, तो देन सो आई थिंक पिक्चर कुछ क्लियर नहीं आ रही है, धुंधलापन जैसा है, तो मैं क्लियरिटी थोड़ा सा ले लेता हूँ। मित्रों नमस्कार। सुभाष देवरिया, सबसे पहले तो मैं उन सब एटीशियनों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने इतना सपोर्ट किया है हमको, जिन लोगों ने इतना एटीसी को आगे बढ़ाने में सपोर्ट किया है। कुछ लोग आ गए हैं तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ। हो सकता है कि मुझे ओहो टीवी टीवी का जो हमारा ये चैनल है इसको क्लीन करने में कुछ टाइम लगे। उसका रीज़न है कि इसमें काफ़ी लोग हैं और हर तरह के लोग हैं, और क्योंकि थोड़ा सा हम लोग इसको अभी आगे से मैं ओ टी वी पाया करूँगा, तो क्योंकि अपडेट्स ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना सब अच्छा सपोर्ट आप हमें कर रहे हैं, और जो भी हमारा दिवाली का जो टारगेट्स की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और शो आई थिंक कुछ लेट हैं बट नो डाउट काफ़ी अच्छा पोजिशन पे होंगे। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये कॉइन अभी इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री हो चुका है, और इंटरनेशनल मार्केट में आने के बाद ये पोजीशन आ गई है कि इसमें जो बायर्स हैं वो बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है कि जो हमारी एटीसी कम्युनिटी है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि बड़े से बड़े एक्सचेंज अभी घबराते हैं इस चीज़ को लेके कि एटीसी कम्युनिटी को हैंडल करना बहुत इजी नहीं है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जब कम्युनिटी स्ट्रांग होती है तो सबको झुकना पड़ता है, और आज सेम चीज़ है एटीसी का, कि एटीसी का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे जा रहा है और बहुत अच्छी पोजीशन पे है। कन्फर्मेशन आ चुकी है अब बिट की, और सो आई थिंक कोशिश है दिवाली से पहले वो उसको लाइव कर दें। अगर दिवाली से पहले लाइव नहीं हो पाता है तो दिवाली के बाद लाइव हो जाएगा, और बट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है उनके तरीके से। कुछ टेक्निकल फॉर्मेलिटीज हमारी बाकी हैं। टेक्निकल फॉर्मेलिटीज मीन्स डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन को शेयर करने हैं तो उसके ऊपर वर्किंग चल रहा है, और जैसे ही अपडेट के ऊपर आएगा तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हम लोग पहुंच जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या है। आज मैं एटीसी के बारे में तो बात करूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है फ्यूचर में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये बहुत आगे बढ़ने जाने वाली है, उसका जो भविष्य है बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। अब बात आती है कि जो फिएट करेंसी है वो भी ब्लॉकचेन के अंदर धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। जैसे आपने सुना होगा दुबई गवर्नमेंट पूरा सिस्टम जो है पूरी अपनी टेक्नोलॉजी को, फाइनेंस को, फंड्स को, वो सब ब्लॉकचेन के ऊपर डाल रहे हैं, और उन्होंने टारगेट भी लिया है उस टाइम तक पूरा करें, और हम शायद इंडिया गवर्नमेंट भी बहुत पॉजिटिव है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके। मेरा मानना यह है कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में जो डेट थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा है सरकार से कि आप अपना रिव्यू दीजिएगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसको हम एक शुरुआत बोलते हैं। मीन्स जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप अपना रिव्यू दीजिएगा, और मेरा जो एक्सपीरियंस अभी कह रहा है कि आने वाले समय में बहुत अच्छी पोजिशन पे हम लोग पहुँचेंगे, और 10 से 15 दिन, 2 हफ्ते का उन्होंने टाइम मांगा है, और वो अपना रिव्यू देंगे। अगर उस रिव्यू में पॉजिटिव आता है कि हम लोग ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, एक्सचेंजेस के ऊपर, तो इंडिया के लिए वो दिन बहुत बड़ा दिन होगा। और जैसा आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है ये बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत अच्छी पोजिशन पर चलेगा। मेरा कहने का तो एक ही तात्पर्य है कि परेशानियों में टिके रहना सबसे बड़ी चीज़ है, और परेशानियों से निकलना ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा हम इतनी सारी परेशानियों में आए, उसके बाद निकले, और निकलने के बाद हम उस पोजीशन पर आज पहुँच चुके हैं कि आज चारों तरफ जैसे मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिन के अंदर जो खुशियाँ सब लोगों के चेहरे के ऊपर है, जो उनको राह नज़र आ रही है, जो एटीशियन है,
तो एक बहुत बड़ा फील होता है। तबीयत खराब होने के बावजूद भी पिछले 8 दिन से मैं वर्किंग कर रहा हूँ इसके ऊपर, और बहुत जल्दी आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी, और एटीसी अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला है। ये एक अच्छा मुकाम इसने हासिल कर लिया है, और ये मुकाम ऐसा है कि जिसमें हम बहुत कुछ पाएंगे। और मैं सब लोगों से यही दुआ करूंगा कि आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छी जाए, हमारे जितने भी एटीसी मेंबर हैं उनकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, और सब लोग अर्निंग करें। और सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर कोशिश हो सके तो अपने दोस्तों को जो दिवाली गिफ्ट आप देते हैं तो उनको एटीसी कॉइन गिफ्ट में देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि अगर हर मेंबर, जितने मेंबर हमारे हैं आज, जो लाखों में हमारे जो कस्टमर्स हैं, अगर वो पांच पांच लोगों को भी गिफ्ट देते हैं एटीसी का, उनको वॉलेट देते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा एक कस्टमर डाटाबेस बनेगा, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होगी। और हम ज्यादा नहीं, 50 50 100 100 कॉइन भी अगर हमको गिफ्ट करते हैं तो भी काफी अच्छा रहेगा। तो सब लोग अपने यार यार दोस्तों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहिएगा। फॉर एग्जाम्पल एटीसी कॉइन है तो अजीब महसूस होगा, क्योंकि जिनको एटी कॉइन के बारे में नहीं मालूम और उनको आप गिफ्ट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 ही कॉइन आपने दिए हैं, तो उनको वो उसको संभाल के रखेंगे क्योंकि उनके लिए एक नई चीज हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उसी तरीके से उसको प्लानिंग करें। और मैं अभी कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं। क्रिप्टो माही जी कहते हैं, डाटाबेस लेके प्लेटफॉर्म को आना मार्केट में, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं, और बहुत फास्ट चल रहा है एक्चुअल में। मीना जी कह रहे हैं कि क्रिप्टो वॉलेट का 100% वेट डाल दो। 100% मीना जी, बहुत जल्दी हम लोग इसको 100% विड्रॉल देंगे, बट अभी थोड़ा सा टाइम है, रेट मेंटेन हो जाए और धीरे धीरे हमारा सिस्टम ठीक हो जाए तो सब लोगों को 100% विड्रॉल मिलेगा। और धीरे 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 जैसे जैसे हमारे नए बायर्स आते रहते हैं उसी तरीके से हम विड्रॉल की लिमिट बढ़ाते चले जाएंगे, और सो आई थिंक काफ़ी अच्छा माहौल हम लोग क्रिएट करेंगे। और आने वाले समय में आप देखिएगा एटीसी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन के उभरेगा, और उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। सो आई थिंक नई अपडेट के साथ में फिर दोबारा हम लोग हाजिर रहेंगे। और आज का मेरा जो मकसद था आप सब लोग लाइव आने का, कि जो एटीसी की ग्रोथ के बारे में आपको बताना, कि एटीसी ग्रोथ किस तरह से चल रही है, डे बाय डे 30 से 40% ग्रोथ चल रही है, और एटीसी नंबर ऑफ एक्सेसों में बहुत इंक्रीज हो चुका है, और कॉइन मार्केट कैप के अंदर करीब 400 के आजूबाजू पहुंच चुका है, और धीरे धीरे ये अपनी जगह 100 के रूप में आ जाएगा, जो हम टॉप 100 कॉइन है उसे पहुंच जाएगा। और टॉप 100 में पहुंचने के बाद हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और इसी बात को कहते हुए मैं बहुत जल्दी दूसरी किसी अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट, सॉरी, थोड़ी तबीयत डाउन होने की वजह से गला काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आज ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। देन नेक्स्ट टाइम कुछ और अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट।